नीतीश कुमार की राजनीति और उनकी रणनीति का लगभग सभी कायल हैं। नीतीश कुमार ऐसे ऐसे चाल और ऐसे ऐसे दाव चलते हैं जिसको लेकर के लोग अचानक से स्तब्ध रह जाते हैं। आपको बता दें कि इसी तरह का मामला सामने आया है जब नरेंद्र मोदी के विरुद्ध उन्होंने देश भर में एक विपक्ष का बड़ा कुनबा तैयार कर लिया है। इसका नाम इंडिया दिया गया है और उसके बाद लगातार कई तरह की बातें भी चल रही हैं। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार को पीछे बैठा करके बैक बेंचर बना करके इस गठबंधन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई मामले हैं जिसको लेकर के अपनी राय रखी है और उनकी राय को बहुत हद तक माना भी गया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने सबसे पहले तो ये फॉर्मूला दिया कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के एक कैंडिडेट के विरुद्ध इंडिया का भी एक कैंडिडेट खड़ा होगा और उसके लिए सभी सपोर्ट करेंगे। ये बातें लगभग तय हो चुकी हैं, लेकिन इसके बाद कुछ परिस्थितियां बदलती रही और बदली हुई परिस्थिति में लालू प्रसाद और जब राहुल गांधी की मुलाकात होती है तो बिहार में चर्चा खूब होने लगती है कि दोनों मिल करके नीतीश कुमार को किनारा लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं लगता है। आपको बता दें कि उधर जहां नीतीश कुमार अपने वोट बैंक को मजबूती के साथ बना करके रखे हुए हैं, अब तक की जो सियासत उन्होंने की है पिछले 17-18 सालों में, उसमें साफ देखा गया है कि नीतीश कुमार के वोट बैंक में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आई है। भले ही वोट बैंक उनका एक लिमिटेड हो, 16-17% का ही हो, लेकिन वो हमेशा उनके साथ रहा है। इन सारी बातों को लेकर के यही विशेषता है नीतीश कुमार की, जिसके चलते चाहे वो महागठबंधन हो या एनडीए हो, दोनों उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने के लिए तैयार नज़र आते हैं। इसी तरह की बातें जो नज़र आ रही थी पिछले जो 24 घंटे से, चीज़ें साफ नज़र आ रही थी कि किस तरह से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन इन सब के बावजूद अचानक से क्या सब कुछ बिगड़ने लगा है। इस बात को लेकर के नीतीश कुमार अपनी तैयारी कर ही रहे थे, किसी बीच नीतीश कुमार ने एक बड़ी चाल चल दी। नीतीश कुमार ने 1,70,000 शिक्षकों की बहाली की जानी है, जिसको लेकर के नियोजित शिक्षकों को भी राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए बीपीएससी द्वारा अगस्त में आयोजित होने वाली यह परीक्षा देनी है। इसके साथ ही शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल नीति भी लागू की गई, जिसके तहत राज्य के बाहर के लोग भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। राज्य के मौजूदा शिक्षक इस नई नियमावली का विरोध कर रहे थे, इसको लेकर कई बार विरोध भी किया गया था। आपको बता दें कि यदि आपको याद होगा तो हमने सदन के दौरान आपको बताया था कि विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने नीतीश कुमार के हवाले से दोनों ही सदनों में कहा था कि सत्र समाप्ति के बाद मुख्यमंत्री इस मसले पर विचार विमर्श करेंगे। इसी के मद्देनज़र कल बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में बहुत सारी चीज़ों को फाइनल किया गया है। आपको बता दें कि इस बैठक में महागठबंधन के लगभग सभी घटक दल मौजूद थे, चाहे वो वाम दल के तीनों घटक दल हों वो भी संतुष्ट नजर आए। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस भी इस मामले में संतुष्ट नजर आई, डॉक्टर शकील अहमद खान इस बैठक में शामिल हुए थे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि महबूब आलम भी इस बैठक में शामिल थे, संदीप सौरभ शामिल थे, इसके साथ साथ शिक्षा मंत्री भी शामिल थे और के पाठक भी शामिल थे। इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक भी उपस्थित थे। लंबे समय के बाद इन सभी को एक साथ बैठे हुए देखा गया है और कहा यह जा रहा है कि लगभग 2 घंटे से ऊपर चली इस चर्चा में नीतीश कुमार ने पॉजिटिव साइन दिया है। इसका मतलब है कि शिक्षकों को बड़ी राहत मिलने वाली है और अब जानते हैं कि शिक्षकों को राहत मिलने का मतलब है कि नीतीश कुमार के वोट बैंक में इजाफा। अब देखना दिलचस्प होगा कि जहाँ एक तरफ अगर लालू प्रसाद और राहुल गांधी मिलकर के कुछ ऐसा प्लान करते भी हैं तो नीतीश कुमार उस पर भारी पड़ने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। इन सारी बातों को लेकर के जो कहा जाता है कि रियल राजनीति लालू प्रसाद से ज़्यादा नीतीश कुमार करते हैं। जहां एक तरफ कहा जा रहा है कि लालू दिल्ली में सब कुछ सेट कर रहे थे, तो इधर पटना में नीतीश कुमार ने एक बड़ा दाव खेल दिया और टीचरों को लेकर के गोटी सेट कर दी, जो आने वाले 2024 और 25 के चुनाव में काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।